हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो साथियों, आपको डीएसएसबी धमाका ज़रूर पता चल गया होगा। जैसा कि अभी डीएसएसबी की कट ऑफ आई है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। कुछ नहीं पता कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स घटते हुए दिखे हैं और उसी शिफ्ट में कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ते हुए दिखे हैं। तो सबसे पहले जो साथी सिलेक्ट हुए हैं उनको शुभकामनाएं। लेकिन काफ़ी इनजस्टिस भी हुआ है कैंडिडेट्स के साथ और इस पर एक बार गंभीरता से विचार भी किया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ बनाई है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिस हिसाब से डीएसएसबी ने नॉर्मलाइजेशन किया है, जो कैंडिडेट्स फेल थे उनको भी पास कर दिया है। तो ये बहुत एक गंभीरता का विषय बन गया है। तो अभी हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या आई है। शायद आपको न्यूज़ मिल गई होगी, लेकिन अभी नहीं मिली है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे कट ऑफ देख रहे होंगे। तो टोटल वैकेंसीज थी 4366, मतलब 4366, और EDUGR के लिए 8673 कैंडिडेट्स को बुलाया है, मतलब 8673। तो इसमें जो UR की कट ऑफ गई है 117.52। लेकिन साथियों, आपको बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसमें डबल कैंडिडेट्स को बुलाया है, लगभग डबल, तो 117.52। इसका मतलब है कि 125 तक जिस कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं उसका ही फाइनल कट ऑफ में नंबर आ सकता है, जो मेरा अंदाजा है, क्योंकि डबल इसमें बुलाया है। इसके बाद OBC में है 98.50, तो इसमें आप समझ सकते हैं 105-6 तक जिनका है उनका सिलेक्शन होने के चांस है। इसके बाद 94.23 SC की है, तो SC में आप समझ सकते हैं कम से कम 100 मार्क्स या 98 तक जिनके हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं, फाइनल जो सिलेक्शन होगा। ST के 60, तो मुझे लग रहा है कि ST की कंडीशन पूरी नहीं हुई होगी, तो इनके चांसेस हैं। इसके बाद PH और OH में कितने हैं, 88.17, तो 95 तक का अनुमान लगाया जा सकता है इसमें। और PH जो VH है इसमें कितना है, 60.98, तो हो सकता है कि इनकी कट ऑफ कंडीशन के आसपास ही रहे। तो ये अभी कट ऑफ आई है और ये 99% जेन्युइन है। अभी साइट वैसे ही चल नहीं रही है, जेन्युइन या ऑथेंटिक सोर्सेज से मुझे पता चला है। लेकिन जो एक कट ऑफ है बहुत अनएक्सपेक्टेड है। बच्चों के साथ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, इस चीज़ पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी जो कट ऑफ आई है मैंने आपको बता दिया, शाम को एक बार फिर मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।